गल सुन भीर, साढ़े इत्थे चलदी है डांग। एलविश यादव ने स्टोरी डाली है कि अब जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज भी यूट्यूब पे आ गए हैं, घर वालों का पेट जो पालना है। कि संजय दत्त बंदे टाइम नहीं लगता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव बंदोत्रा और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक आमिर माजिद करके लड़का है। आपने अगर कंट्रोवर्सी देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो मैं बताता हूँ। आमिर माजिद एक यूट्यूबर है हमारे यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। उसके वन मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं इस टाइम, और वो इस टाइम बाहर है, मतलब किसी और स्टेट में। मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है और मेरे को जानना भी नहीं है। और उसकी इस टाइम एक कंट्रोवर्सी चल रही है बाहर के यूट्यूबर्स के साथ, जो कि हरियाणा का है कोई, मेरे ख्याल से एलविश यादव है, कोई लक्ष्य चौधरी है, कोई UK07 राइडर है, इसके साथ ऐसी कुछ चल रही है। मैं इन दोनों पार्टीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अगर ये वीडियोस देख रहे हैं या कोई भी जम्मू का लोग, जब या हरियाणा का या कोई भी, अगर हरियाणा का भी कोई देख रहा है, तो मैं पहली बात क्लियर कर देता हूँ, ना मैं आमिर माजिद के साथ हूँ और ना ही मैं एलविश यादव और ना ही UK07 राइडर के साथ हूँ या लक्ष्य चौधरी, किसी के साथ मैं नहीं हूँ। मैं अगर हूँ तो सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर के लिए। पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला है। पत्थरबाज मेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहे हैं, तो भाई यहाँ आओ ना कभी यार, गुड़गांव आओ ना प्लीज भाई, मोस्ट वेलकम भाई। और भाई जब यहाँ पाओ ना तो अपने पत्थर पुत्थर लेकर मत आना, डिजाइनर पत्थर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर चले ना, यहाँ चले लठ और चलाने वाले हम, ठीक है? तो आ जाना, बता देना भैया। भाई एक बंदा है, यह खुद को वैसे जम्मू का बतावे, लेकिन मुझे पता कश्मीर का पत्थरबाज है वो। तो जैसे ही कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई, ये यूट्यूब पे आ गया, छपरी गिरी करने लगा ये, क्योंकि छपरी गिरी करें फिर शीर कोरमा का भी खर्चा निकालना, तो रोज रात को मुर्गे खाने थे। तो एक कंट्रोवर्सी कर रहा है फिलहाल और दूसरे ब्लॉगर्स के साथ, और कंट्रोवर्सी भी क्या भाई, बिलो द बेल्ट। दूसरे इसने कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर किसी को पत्थरबाज बोला। यार मेरी बात सुन एलविश यादव, यार जो भी है तुम, यार जो भी हो तुम लोग या और जो भी जो कुछ ऐसा सोचते हो, मेरी बात सुन। आपकी लड़ाई है पर्सनल, तो उसको रखो पर्सनल। तुम लोग क्या बंदे हो यार, तुम तो लड़ाई से भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, लड़ाई की वीडियोस बना रहे हो, यहाँ से पैसे आएंगे, व्यूज़ आएंगे, हम पॉपुलर होंगे, कुछ तो शर्म कर लो यार। और मेरी बात सुनो, अगर आपको वीडियोस बनानी है वीडियोस बनाओ, कुछ भी करना है करो, लेकिन पहली बात तो ये आपकी पर्सनल लड़ाई थी, आपको करनी चाहिए थी आपस में मिलके, लोगों को दिखाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? मैं एक यूट्यूबर हूँ, छोटा हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ यूट्यूबर नहीं आया हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर आया हूँ, ठीक है? ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, पहली बात तो यार तुम होते कौन हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने का, ठीक है? हाँ, तूने क्या बोला, जम्मू कश्मीर के लोग पत्थरबाज हैं, अच्छा, और आपके वहाँ चलती है लठ। तो मेरी गल सुनो भीर, साढ़े इतने चलती है डांग, डांग बड़ी गुजियाँ सट्टा कराती है साढ़े इतने, इन्नी गल मेरी चेता रखे। तो बाकी साढ़े जम्मू का एक मशहूर डायलॉग है कि संजय दत्त बंदे टाइम नहीं लगता, नहीं तो तेरे तीन बड़ा माड़ा होना ही। मैं आपको बस इतना बोलूँगा यार, जो आपकी अपनी लड़ाई है या पर्सनल रखो, हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में मत बोलो, ठीक है? ये अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए जम्मू कश्मीर को मत बोलो। अगर तुम्हारी औकात क्या है यार, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बोल रहे हो, बताना मेरे को। अगर यहाँ पे कुछ लोग पत्थरबाज थे या कहीं से भी बाहर से लोग आके यहाँ पत्थर मारते थे, तो जम्मू कश्मीर के लोग पत्थरबाज हैं। अगर आपके गुड़गांव में अटैक होता है, तो इसका क्या मतलब है कि गुड़गांव के लोग वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हैं? अरे कुछ तो दिमाग लगा ले, शक्ल से पढ़ा लिखा लगते हो तुम लोग, YouTube भी है, इतने लोग हैं तुम्हारे साथ, अगर आपको देख रहे हैं कुछ अच्छा मैसेज दो। YouTube किस लिए होता है, कुछ मैसेज देने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए? ये क्या मैसेज दे रहे हो यार, आप एक दूसरे की माँ बहन को गाली निकाल रहे हो। और दूसरी बात, ये देखो ये जो एलविश यादव ने स्टोरी डाली है कि अब जम्मू कश्मीर के पत्थरबाज भी YouTube पे आ गए हैं, घर वालों का पेट जो पालना है, तो तुम क्या कर रहे हो यार? अगर हमारे यहाँ के लोग अगर टैलेंट दिखा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब कि हम पत्थरबाज थे पहले और अभी हमारे पास कोई काम नहीं है और हम पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं? मैंने YouTube बनाया लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मेरे को शौक था, मैं अपने शौक के लिए आया, तेरी तरह नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ठीक है? तो अपनी ज़बान संभाल के बात कर हमारे जम्मू कश्मीरियों के बारे में, ठीक है? हमारे जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मशहूर गाना है कि जो जम्मू कश्मीर के डोगरे हैं ना, बड़े मिठ्ठे हैं ये, बड़े ही ज़्यादा मिठ्ठे हैं। अगर तू उनके कुछ 1% अच्छा करेगा ना, ये तेरे साथ 100% अच्छा करेंगे। लेकिन अगर दिमाग ख़राब हो जाए, तो तेरे को पता ही है, सब पता है तेरे को, तो डोगरों का दिमाग मत ख़राब कर, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिमाग मत ख़राब कर,
ये आपकी आपस की पर्सनल लड़ाई है, तो आप आपस में देखो, ठीक है। YouTube में एक दूसरे के बारे में बकवास करो जो मर्जी करो, Instagram में जो मर्जी बकवास करो, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में बकवास मत करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ आमिर माजिद नहीं रहता है, जम्मू कश्मीर में और भी लोग रहते हैं। तो जब आप जम्मू कश्मीर के बारे में बोलते हो ना, वो सिर्फ बात आमिर माजिद को नहीं बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको बोल रहे हो। तो तुम्हारी इतनी औकात है नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो, और जम्मू कश्मीर को खासकर तुम कुछ भी बोल दो। मैं हाथ जोड़ के ये बात बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी ना बोले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खाली आमिर माजिद नहीं रहता, हम सब भी रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे को हाथ जोड़ना आता है ना, तो हाथ जुड़वाना भी आते हैं। और दूसरी बात, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा जम्मू कश्मीर की तरफ से बोल रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ मैं बनके बोल रहा हूँ, समझ आई। और तू बोल रहा पत्थरबाज, ये देख ये क्या है, ये देख, ये तेरे को पत्थरबाज लग रहा हूँ मैं, ये तेरे को जम्मू कश्मीर के लोग पत्थरबाज लग रहे हैं, नाम पढ़ ऊपर। तो भाइयों, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ एक दूसरे के लिए जो मर्जी आपकी पर्सनल लड़ाई हर किसी की होती है किसी ना किसी के साथ, बस बट प्लीज़ किसी की स्टेट के बारे में मत बोलो, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग रहते हैं। और ऐसी हेट मत फैलाओ पूरे इंडिया में यार, यूट्यूबर हो, इतने इतने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ अच्छा मैसेज दो, ये मैसेज मत दो, ठीक है। और जितने भी जम्मू के लोग अगर इसको देख रहे हैं बाहर से, जो उनके सपोर्टर होंगे या किसी के भी होंगे, वो अगर डिसलाइक मारेंगे, तो मैंने ये बात की है अपने जम्मू कश्मीर के लिए। और जो जो इस बात से सहमत है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे को लाइक से कोई लेना देना है, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये आवाज़, ये बात, ये बातें हर जम्मू कश्मीर के इंसान की कानों तक पहुँचे। तो भाई आगे से अगर आपको कुछ अगर आमिर माजिद के लिए गलत लगता है, तो आप उसको बोलो जाके, जम्मू कश्मीर को मत बोलो। मारो कोई लेना देना नहीं आमिर माजिद के साथ, ना कोई लेना देना तेरे साथ, ना हम तेरे सपोर्ट में हैं, ना हम आमिर माजिद के सपोर्ट में हैं। हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनली लड़ाई करो यार, हमारे को बीच में मत लो, सभी को मत बोल, आमिर माजिद को बोल, वो रिप्लाई इधर को देगा अपनी बात का, हमारे को बीच में मत ला, तेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। एक के साथ लड़ाई है, एक के साथ रख, पूरे जम्मू कश्मीरियों के साथ मत रख। तो बाकी जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई जितने भी ये देख रहे हैं, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, कि जम्मू के लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे, उनको पता लगे बाहर कुछ गलत हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, तो अपनी आवाज़ उठाओ। जय हिंद, जय डुग्गर, जय देव।